लास्ट वीडियो में हमने पैलार्कटिक क्षेत्र की फाउना की बात की थी, अब बात करेंगे उनके सब क्षेत्र की। देखिए, पैलार्कटिक क्षेत्र को चार उप क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो पहला हो जाएगा आपका यूरोपियन उप क्षेत्र, दूसरा मेडिटेरियन उप क्षेत्र, तीसरा साइबेरिया उप क्षेत्र और चौथा होगा आपका मंचूरन उप क्षेत्र। पहले आर्कटिक क्षेत्र के यहाँ पे चार उप क्षेत्र बताए गए हैं, यूरोपियन उप क्षेत्र, मेडिटेरियन उप क्षेत्र, साइबेरियन उप क्षेत्र और मंचूरियन उप क्षेत्र। देखिए, बात करते हैं यूरोपियन उप क्षेत्र की। तो यूरोपियन उप क्षेत्र में उत्तरी व मध्य यूरोप आता है, इसके अलावा काला सागर आता है और कोकेसस, ये आइसलैंड है जो कि पैलार्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं मेडिटेरियन उप क्षेत्र की। तो उसमें शेष यूरोप बच गया, भाई उत्तरी व मध्य यूरोप तो यूरोपियन क्षेत्र में आ गया, बचा हुआ शेष जो है वो मेडिटेरियन उप क्षेत्र में आता है। अफ्रीका लेकिन पूरा नहीं आता है, सिर्फ इसका पूर्वी भाग, अरब, सोवियत अरब और एशिया माइनर, यानी कि सूक्ष्म जो एशिया है वो वाला पार्ट। इसके अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये वाले कंट्रीज़ भी मेडिटेरियन उपक्षेत्र में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट साइबेरियन उपक्षेत्र। देखिए, इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें हिमालय के उत्तरी क्षेत्र का एशिया आता है और साथ में साइबेरिया देश। इसके बाद बात करते हैं मंचूरियन उपक्षेत्र की। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं, तो इसमें मंगोलिया, मंचूरियन, जापान व कोरिया, देखिए यूरोप वाले क्षेत्र, यूरोप वाले उपक्षेत्र में उत्तरी और मध्य यूरोप आता है, बाकी शेष बचा हुआ यूरोप जो है वो मेडिटेरेनियन उपक्षेत्र में जाता है। काला सागर और कोकेसस ये दोनों भी यूरोपियन क्षेत्र में आते हैं। साथ में अगर बात करें मेडिटेरेनियन उपक्षेत्र की, तो इसमें अफ्रीका, अरब और एशिया माइनर शामिल किया गया है। तीसरा था साइबेरिया, तो इसमें साइबेरिया देश आएगा और साथ में हिमालय उत्तरी क्षेत्र का एशिया आता है। नेक्स्ट है मंचूरियन उपक्षेत्र, तो इसमें मंगोलिया देश है, मंचूरियन और जापान और कोरिया देश शामिल किए गए हैं। देखिए, ये जो आपका पैलार्कटिक क्षेत्र है उनको जो चार सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है, उन डिवीजन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। जैसे कि यूरो साइबेरियन है, ये वाला जो पूरा जो एरिया है उसमें साइबेरिया उपक्षेत्र आता है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है वो मेडिटेरेनियन क्षेत्र है। इस प्रकार जो आपका पैलार्कटिक क्षेत्र है उनके यहाँ पे सब रीजन दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे इनकी जो जलवायु है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। सो हम बाकी के और जो आपके रीजन्स हैं उन सभी रीजन्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में हम इन सभी रीजन्स की कंपेयर करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कौन कौन से जो रीजन है उनमें कितने जो फौना है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि जलवायु जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी। स्टूडेंट, आशा करता हूँ आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे बायोलॉजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आएंगे वो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। थैंक यू स्टूडेंट।